तो गाइस आखिरकार मैं लेके आ गया हूँ नई सीरीज जो कि है एस्ट्रो ब्लॉक के नाम से। और भाई अभी मैं फंसा हुआ हूँ एस्ट्रो में, मतलब एस्ट्रोइड में फंसा हुआ हूँ। और यहाँ पर छोटा सा स्पेस स्टेशन है जिसको मेरे को बड़ा करना है। और ये मेरे को देखने से पहले मैं बता दूँ इसमें ये है क्या क्या चीज़ें इसमें, और ये चीज़ें लग के नहीं आई मेरे पास। हाँ तो ये मेरे को मिला था एक फुल किट, इसको बस खोलना है। ओके लग के आ गई खुद चीज़ें, ठीक है। तो अभी शायद से मैं रेडिएशन से भी बच सकता हूँ क्योंकि एस्ट्रोइड में रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देख लूँ। तो ये तो है चार्जर जहाँ पे मैं खड़ा होकर चार्ज कर सकता हूँ जो भी जेट पैक वगैरह होगा। ये चेस्ट है और ये मेरा एक स्लीपिंग बेड नहीं चेम्बर है। और ये ऑक्सीजन कंप्रेसर, ये कलेक्टर मतलब स्टोरेज है, और ये है सीलर जो कि सील करता है कमरे को। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टोरेज क्लस्टर भी लगा हुआ है जिसमें थोड़ी एनर्जी है, इसको चालू कर दूँ क्योंकि इनमें एनर्जी भी भेजनी है भाई, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ऐसे देखूँ। इसमें तो ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको चालू रखो। ओके तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे क्या है? ओके लाइट्स वाइट्स, और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर कमरे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है मुझे पता है। और ये दो पाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, एक फ्लूड और एक ऑक्सीजन के लिए। ऐसे यहाँ पर तीन कमरे हैं बिल्कुल सेम, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और ये ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। और एक मेरे को पेड़ दे रखा है जहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक सोलर पैनल है, बस यही छोटी सी चीज़ है मेरे पास। तो पहले मैं अपने घर में होलूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन चाहिए भाई। तो ये देखो भाई क्या क्या तरह के रॉकेट्स है, इतने बड़े बड़े रॉकेट है। लेकिन इनका जो मोड पैक है वो एक्स्ट्रा प्लैनेट के नाम से है, ये गैलेक्टिक क्राफ्ट का नहीं है। और इनको बनाने का भी तरीका नासा वर्क बेंच पर ही बनती है, ठीक है, उसी पर बनते हैं। और ये भी शायद उसी पे बनते होंगे, हाँ उसी पे बनते हैं। दूध ये मिला के जब मेरे को मिलेगा ये, क्या यार कितने बड़े बड़े रॉकेट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास ग्रह कौन से है, ओके अभी मेरे पास सिर्फ एक है अर्थ और एक ये मेरा वाला। पर ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अर्थ का स्पेस स्टेशन हो, वो नहीं है, एस्ट्रॉयड का है। और अगर मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 के 6, एक स्टार है मतलब कि सन है, और हमारा बीच वाला है जो कि सोल के नाम से, लेकिन इसमें सोल नहीं लिखा हुआ, 157 स्टार लिखा हुआ है। और ऐसे यहाँ पर अलग अलग नंबर के स्टार है जो कि सन है, और ये गैलेक्सी है जैसे कि हमारी ये वाली है। इस वाले में मेरे को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अपने ग्रह वगैरह, तभी मैं उन पर जा पाऊँगा। अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं एक्सप्लोर करने लायक। अभी तो मेरा जो टारगेट है वो है अर्थ पर जाना, अर्थ की खोज करना, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। तो फटाफट से अपने काम करते हैं। अगर मैं क्वेस्ट बुक खोलूँ तो इतने सारे टास्क यहाँ पर करने के लायक। और पहले से मेरे को क्या मिला? कॉमन रिवॉर्ड मिला। ये क्या है? पिंक स्लाइम, इसको रखो बाद में काम आएगी। और बाकी का क्या है? ओके ऑक्सीजन मास्क, अगर मैं ये सारी चीज़ें उतार के वापस से पहन लेता हूँ तो मेरा ये कम्प्लीट हो जाएगा। ओके ईजी था। और यहाँ पर नीचे साइड नोट है जो कि टिप्स होती है। अरे यार ये दिखेगी तब ना, ये सामने से हटेगा। ये टिप है जो कि हमें पढ़ने पे पता चलेगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, और इन पे कोई रिवार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आगे क्या करना है? हमें लकड़ियाँ चाहिए। लकड़ियाँ लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लास्टिक मिली है, प्लास्टिक के कोई यूज़ है? प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ है, रखना पड़ेगा प्लास्टिक को भी। तो लकड़ी के लिए ऊपर जाते हैं। एक मिनट, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है क्या? मेरे पास ये, हाँ एक मिनट, एक्स्ट्रा तो इसमें होगा ना मीडियम वाला, तो मेरे पास स्मॉल वाले हैं, मीडियम वाला लगा लूँ मैं। और अरे और एक स्मॉल वाला उतार के मीडियम, ठीक है, लाइट वाले की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन जाती है। तो एक ही पेड़ अभी। और अगर मैं कंट्रोल देखूँ, एक मिनट, कंट्रोल है, हाँ ये वाला और वाला मेरे को चाहिए था, मैंने कंट्रोल पर सेट किया हुआ है। तो कंट्रोल दबा के तोड़ना है ताकि एक साथ सारी चीज़ें टूटे, ठीक है। लकड़ियाँ भी आ गई थोड़ी सी, हाँ मेरे को सैपलिंग लगानी पड़ेगी यहाँ, सैपलिंग, और नीचे चलते हैं। और एक चीज़ और कि अगर मैं यहाँ पर क्राउच होऊंगा तो इसमें ये वाला भी मोड पैक है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप पेड़ काटोगे तो नीचे की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ओके हमारा क्वेस्ट पूरा हुआ ये वाला। और अभी मेरे को ये बनाना है, ये पीनी है कि बनानी है? मेरे पास एक रखी हुई है, क्या पीने से नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा, मतलब बनानी पड़ेगी। ओके ये इसलिए है ताकि मेरा रेडिएशन लेवल बढ़ सके, और मेरे को इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरा रेडिएशन लेवल कम हुआ तो मैं इसके अंदर सो जाऊंगा, पर एक ग्लिची है बहुत ज़्यादा। तो आगे का काम कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को प्लैंक्स चाहिए, सीधी सी बात है, और क्वेस्ट के हिसाब से देख लूँ क्या क्या बनाना है। ओके क्रोक बनाना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो मेरे को क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी ना। ओ एक मिनट, मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्यों बनाई? तो मेरे पास यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल है, ये रही मैग्नेटिक क्राफ्टिंग टेबल, ये चाहिए मेरे को।
एक मिनट, मेरे पास डैश भी है, एक पिकेक्स बना लेता हूँ। डैश की वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना पर फिर भी कर सक। अरे इतनी मैंने बहुत ज़्यादा बना ली, मेरे को क्रोक बनाना है बस। ओके टास्क हो गया। और एक ये पिकेक्स अगर बन जाएगी तो नहीं बनेगी। अरे ये तो रही, अच्छा डैश स्टिक बनानी पड़ेगी पहले। तो यार वो कितनी कॉस्टली है भाई, इसको बनाना तो बहुत हार्ड है यार। ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, बस दो और ये रखो और ये ठीक है। अरे ले नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा मेरे को ये वाले टास्क करने पड़ेंगे। सिल्क वॉर्म चाहिए मेरे को और स्ट्रिंग चाहिए और क्रोक चाहिए, तो क्रोक मैं बढ़िया वाली बना लूँगा अभी। और मेरे को ये हाथ में लेना है। ओके हो गया टास्क। तो ये भी मेरे को एक ग्रैपल मिला है जो कि मेरे काम आएगा बाद में, जब मैं दूसरी जगह जाऊँगा ना तब काम आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं बढ़िया वाला क्रोक बना लेता हूँ तभी मेरे को चीज़ें मिलेगी। और बढ़िया वाली बनाने के लिए चार आपको चाहिए होगी तभी आप बढ़िया वाली क्रोक बना पाओगे। तो ऐसे रखनी है ऐसे, ये मिल गई। और अभी चलते थोड़े पेड़ वेड़ काटते हैं। तो शिफ्ट दबा के, ओ उड़ना नहीं यार। ओके ये कीड़े चाहिए थे मेरे को, ये भी हो गया। तो ये भी हो गया। अब मेरे को बनाना है वाटर, पानी बनाना है। तो वाटर के लिए मेरे को ये चीज़ बनानी पड़ेगी और इसके लिए मेरे को और लकड़ियाँ चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, बहुत सारी लकड़ियाँ ले ही लेता हूँ पहले ही। मेरे पास एक और आइडिया है, और ये गेट देख रहे हो, ये कंप्रेस वाले हैं जो कि मेरे को पहले मिले थे, एयर लॉक फ्रेम। और नीचे इनका लॉक है जो कि 1 मीटर पे सेट है। इसको अगर सेट करना हो तो मेरे को तोड़ना पड़ेगा ये, तब मैं इसको अपने लिए सेट कर सकता हूँ। तो तोड़ देते हैं इसको, मेरे को लगाना पड़ेगा वापस से। ओके ये अभी मेरे नाम पे हो गया, ब्लैक लू के नाम पे। अभी मैं इसको सेट कर सकता हूँ, 1 मीटर पर ही रहने देते हैं बहुत है, क्योंकि नहीं तो अगर मैं ऐसे पास भी रहूँगा ना तो खुला रहेगा और फिर यहाँ पर कमरा सील नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास एक और आइडिया है कि अगर मैं नीचे से थोड़े से कबल स्टोन ले आता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें और पहले ही एडवांस में बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पिकेक्स बनाते हैं। और ये वाले पिकेक्स चाहिए, कुछ ज़्यादा ही बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी चीज़ें रखो। और मेरे को एक दो चीज़ें चाहिए थी, मेरे को खाने की चीज़ें चाहिए। ओ है तो सही, मेरे पास कैन फूड है। तो एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, ये चीज़। और इसके लिए मेरे को स्ट्रिंग चाहिए होती है यूज़ करने के लिए। तो क्या करें अभी, चलते हैं कोई दूसरी जगह। मेरे पास ऑक्सीजन यार कम कैसे हो गई। और मेरे को अपना ये हुक निकालना पड़ेगा यार, पास में तो कोई है ही नहीं। वो पास है, मेरे को लगता तो नहीं है वो पास है। दिक्कत तो ये है कि कुछ दिख नहीं रहा है। ओ गिरना नहीं, ओ गिरना नहीं था भाई। ओके मैं उस पे जाने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई गलत चीज़ हो गई। ओके चढ़ जा इस पे। मेरे कितने भाई, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए मैंने। अगर कोई आसपास नहीं है क्या जगह, मेरे को यहाँ से ब्लॉक भी नहीं दिख रहे यार। चलो कूदो इस पे, किसी ढंग की जगह पर जाते ये पकड़ पाऊँगा। ओके जाना भी तो है ना इस पे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे चला जाऊँ कैसे भी करके, मेरा काम हो जाएगा। ओके होदा 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 भाई, जल्दी से बढ़िया वाली पिकैक्स यूज़ कर लूँ। थोड़ी देर के लिए ना ये एरिया बंद कर दूँ क्योंकि यहाँ पर ख़तरा बहुत है। ओके आ गया हूँ मैं अंदर, और अभी मेरे को पिकैक्स यूज़ करनी है बस इनको तोड़ने के लिए। तो शिफ्ट दबा के करूँगा, काम जल्दी होएगा। अगर ये कर दिया मैंने टास्क तो फिर मैं आगे के काम कर पाऊँगा। तो जैसे ही टास्क होता है हमारा, हमारी मेन चीज़ मिलती है मेरे को, यहाँ से रिवॉर्ड मिलते हैं जैसे कि ओसलोट पैट और प्लास्टिक जेट पैक मिलता है और कुछ पकी हुई मछलियाँ। अभी जो मेरे पास ओसलोट है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे को नाइट विजन मिलता है। ओके और इसको मछलियाँ खिलानी पड़ती है, जिसके लिए मेरे को मछलियाँ इसके पास रखनी पड़ेगी तो मछलियाँ खाएगा। और मेरे को अपना जेट पैक पहनना पड़ेगा क्योंकि उड़ना है, और की देखनी पड़ेगी मेरे को पहले जेट पैक की। तो मेरे को जाना था, मेरा वो किधर है, अगर वो रहा ऊपर जाना है मेरे को। चलो भाई ओ जी दबाओ। अभी चार्ज करने की कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसे, क्योंकि मेरे पास चार्जिंग पैड है तो वहाँ से भी चार्ज कर सकता हूँ। अभी एक बार फटाफट से पहुँच जाऊँ मैं घर पे। वो नीचे से क्या मस्त बना रखी है भाई। वैसे हम इसको पूरा का पूरा अलग ही बना देंगे जैसे हमने क्रैक पैक 3 में किया था। ओके इंजन ऑफ करो, थोड़ा इसको चालू करो और थोड़ा इसको भरने दो। ओ भाई चलती 50 भर भी गया, सही है, बहुत तगड़ी एनर्जी होती है इसमें। ओके एस्ट्रॉइड रॉक मेरे को मिल गया है। तो अभी पानी बनाने के लिए मेरे को पेड़ चाहिए, सैपलिंग्स चाहिए, जो कि मेरे पास लिमिटेड सैपलिंग्स है। लेकिन अगर मैं बहुत सारी सैपलिंग बना लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, और अगर मैं उसके लिए बहुत सारी डर्ट बना लेता हूँ तो मेरा फ़ायदा होगा। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ एस्ट्रॉइड रॉक को तो मेरे को कबल स्टोन मिलते हैं, तो इनके मेरे को सभी के बनाने पड़ेंगे ये। और एक मिनट डर्ट के लिए देख तो लूँ मैं, वो एस्ट्रॉइड रॉक चाहिए। ठीक है अभी दिक्कत हो जाती, तो मेरे को
ये रखनी पड़ेगी, कबलस्टोन और ये। ओके, बहुत आसानी से आ गई। तो सैपलिंग के लिए पहले मेरे को ये हटाने पड़ेंगे इससे, क्योंकि यहीं पे तो लगाऊंगा। अभी सही है, अभी मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा क्राउच, पेड़ सारे बड़े होंगे। ओके, हो गए। मैं ये निकाल लेता हूँ, क्रोक इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़त्म भी हो गई, इसे सैपलिंग ज़्यादा मिलती है ना इसलिए। अच्छा, मेरी इसने मछलियाँ खाई है। अरे भाई, अभी ज़रूरत नहीं है। तो जो ये मेरे को ओसलोट मिला है ना, ओसलोट पैट मिला है मेरे को। अगर मैं अपने क्वेस्ट देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये भी है। इतनी सारी चीज़ें मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, और सभी में अलग अलग पावर होती है, वो मेरे को देखना पड़ेगा सारी पावर्स क्या क्या है। तो ये भी काम हो गया हमारा। अब मेरे को बस ये सैपलिंग इसके अंदर भरनी पड़ेगी ऐसे करके, और पानी बनना शुरू हो जाएगा। वो देखो, बनना शुरू भी हो गया। बना लेते हैं। ओके, हाँ अभी हुआ ना क्वेस्ट दूसरे वाला, तो पहले ये करना पड़ता है। ओ, अब मेरे को डैश पिकैक्स मिली है। ओ भाई, तो फिर मेरे को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी यार। और एक मिनट, ये मैग्नेटिक लेके घूम रहा हूँ मैं फालतू में, इसको रखना पड़ेगा ना। और इसमें ये फ़ायदा होता है, रख देता हूँ ना तो इसी के अंदर रहता है सामान। तो हमारे दोनों काम हो चुके हैं, हमें टॉर्चेस वॉर्चेस बनानी पड़ेगी। पिकैक्स आ गई है, तो अभी हमें माइन पे जाना पड़ेगा। और ये कॉमन ओर्स, अच्छा कुछ भी ढूंढ सकता हूँ मैं। मेरे को आयरन चाहिए, ठीक है, आयरन ढूंढना है, और कंप्रेसर बनाना है। बहुत आगे जाना है भाई अभी, और मेरे पास स्पेस की कमी है भाई। अभी मेरे को जाना पड़ेगा, उस वाले पे चलते हैं, ऐसे कुछ मिल जाए तो इसको यूज़ करते हैं। मेरे को जाना है बिल्कुल नीचे यहाँ। कोई आया तो नहीं ना? ओ भाई, नीचे हो जा, निकल ले यहाँ से, तू तेरी ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी पहले ही कर लूँ मैं, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी। ओ, वहाँ पर खजाना है भाई। सही है, ये आसपास है चीज़ें। ओके, इतना अंदर आ गया हूँ। अभी यूज़ करते हैं शिफ्ट ओ कंट्रोल दबा के, जितनी हो यूज़ कर लो दब के। यहाँ पे हमें आयरन मिलने वाला है, पर हमें आयरन अभी तक दिखा भी नहीं है यार। एक मिनट, ये इंजन बंद कैसे होएगा? अच्छा, वी से है, ठीक है। एच वाला ऑन रखो और ये ऑफ। तो अभी मेरे को खाना चाहिए यार कुछ। यहाँ पर अभी कुछ है यार? कुछ नहीं है। मैं गलत में तो नहीं आ गया, या मेरे को और आगे जाना पड़ेगा? भाई आयरन नहीं मिल रहा, और मैं फुल होता जा रहा हूँ फालतू में। या तो मैं सेंटर में नहीं हूँ इसके, पर यार इतनी जगह तो मैंने खोल दी, कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, इसमें शायद से कुछ नहीं है, मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कोई बड़े से में जाना पड़ेगा, उस वाले में जाऊंगा इस बार। ओके, हमारे पास कबल स्टोन ही कबल स्टोन है एक तरीके से। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही बना लिया है, पर शायद से इतनी बहुत होगी। और मैं एक पाउच भी ले लूँ, जो कि ठीक रहेगा स्पेस। इसमें अपनी पिकैक्स रख देता हूँ, काम आएगी। और मैं अपना चार्ज कर लूँ ये। ओ, एनर्जी चाहिए। ओके, भर गया। अभी मैं, एक मिनट, मेरे पास स्ट्रिंग तो है ना, मेरे को वो देखना, वो बड़े वाला किधर था? शायद से ये था कि वो था, अभी ये कन्फ्यूजन है। ये था शायद, वो बड़े वाला नहीं, वो था शायद। मेरे को ना बीच में जाना पड़ेगा तभी कुछ। ओ, वहाँ पर वो भी है। ये सही है, लूट वूट तो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक मिनट, मेरे पास वो वाली पिकेक्स, भाई मैं रख के आ गया क्या? ऐसा नहीं होना, मैं रख के आ गया यार, फिर मैं लूँगा कैसे चीज़ें? ओ यार, ये तो गलत है। ओके, चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। अभी ये नहीं पता ले पाऊँगा कि नहीं, इसको ले लेगा तो अच्छी, नहीं ले सकता, मेरे को जाना पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था यार कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। ओ भाई, मैं तो ये जगह भूल गया कि वो जगह कौन सी, शायद से वो वाली है भाई। सही में मैं भूल गया वो जगह कौन सी थी यार। हाँ, यही थी, यही थी, सही जा रहा हूँ। अपना ये भी बचाना। ओ भाई, कितनी एनर्जी बची है, बहुत कम एनर्जी, अभी यूज़ नहीं कर सकता मैं ये एनर्जी। मेरे पास बस घर जाने लायक एनर्जी चाहिए मेरे को। ओके, मेरे को बस ये चाहिए, और टास्क भी कंप्लीट हो गया। 64 आयरन की शार्ड मिल गई मेरे को, सही है। अभी ओ भाई, क्या माइन है! माइन नहीं, मैंने माइन तो बनाई है, पर इतने सारे भाई, ये तो लॉटरी है हमारे लिए। ले लो भाई, सारे चुग लो। तो ये याद रखनी पड़ेगी ये कौन सी जगह है, क्योंकि बहुत मस्त जगह है। और मेरे को जाना पड़ेगा अपने घर पे, वहाँ पे जाना पड़ेगा उड़ के। ऐसे पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यार ये जो गिनती चल रही है ना, एक तरीके से काउंटडाउन चल रही है, और कुछ नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास चीज़ें तो आई। चार्ज करो सबसे पहले इसको, चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी भी बन के तैयार हो गया, बस बकेट चाहिए, उसके लिए आयरन चाहिए। तो अपना काम करते हैं। तो ओ, अभी आया इसका कॉमन रिवॉर्ड, भाई पहले क्यों नहीं आया था? और इसका आया, इसका रेयर रिवॉर्ड है भाई, अब दिखाया हुआ है, ठीक है।
इसको भी रखो, ये काम की चीज़ है कंप्रेस डस्क। मैं अगर क्विस्ट बुक देखूँ तो यहाँ पर बताया हुआ है, वो एक मिनट ये भी नहीं लिया मैंने, तो क्विस्ट बुक में ना एक चीज़ और बताई हुई थी कि हमें फर्नेस बनाना है, हाफ फर्नेस बनाना है आधे वाला, क्योंकि दो बनेंगे तो फर्नेस बना लेते आधे वाला। ऐसे नहीं बनता क्या? हाँ ये वाला फर्नेस। अच्छा स्लैब चाहिए इसके लिए, और ये मेरे को दो बनाने पड़ेंगे। वैसे दो बनाने की जरूरत थी ज़्यादा नहीं, तो इन कबली स्टोन को रखता हूँ मैं यहाँ पे। अब इनको ऐसे रखोगे ना तो आप, अरे कैसे था वो, ऐसी तो है। अच्छा क्राफ्टिंग टेबल में रखना है यार मैं, ओह ठीक है ये ऐसे रखना है। तो हम मेरे पास जो बाकी की बची हुई लकड़ियाँ है इनसे तो मैं बनाऊँगा क्या बोलते हैं उसको, कोल। ये डालो यहाँ पर, और थोड़ी सी ये डालो क्योंकि मेरे को कोल चाहिए। अभी एक कोल इसमें डालो क्योंकि एक कोल से बहुत काम होने वाला है। तब तक मैं थोड़े से और फर्नेस बना लेता हूँ। ये क्या मैं मैं ये फर्नेस नहीं बना सकता इसमें, ठीक है रेसिपी ही नहीं है, मेरे को पहले स्लैब वाले फर्नेस बनाने पड़ेंगे तभी होएगा कुछ। और एक कोल आ रहा है, कोल को इसी में रखता रहूँ मैं क्योंकि ये जलने भी है, मेरे को कोल चाहिए। और जो एक्स्ट्रा कोल आ रहा है इसमें से, उससे मैं यहाँ पर आयरन को यहाँ पर मेल्ट कर दूँगा ऐसे करके। डायरेक्ट आयरन इनगट मिलती है, मतलब कि 64 64। ओ भाई कितना आयरन लेके बैठा हुआ हूँ मैं पहले से ही। सही है भाई। और ये क्या मेरे को स्पेस फिशिंग रोड, स्पेस में कौन करता है एयर फिशिंग। ओके तीन आ गई मेरे पास, फटाफट से एक बकेट बना लूँ, और बकेट में भरना पड़ेगा पानी। ओ भाई पानी का भी कर दिया हमने। मेरे को लग रहा है ना मेरे को एक चेस्ट और बनाना पड़ेगा वैसे। ओके चेस्ट का भी हो गया क्वेस्ट, चेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, ये चीज़ें रखनी पड़ेगी मेरे को। और एक मिनट, इस बिल्ली को ना इस मछलियों से दूर रखा करो, नहीं तो ये खाती रहती है, दिक्कत हो जाएगी फिर आपके साथ ही। और मेरे को चाहिए अभी एक कंप्रेसर, क्योंकि मेरे को कंप्रेस करनी पड़ेगी चीज़ें। बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आयरन आयरन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आयरन के लिए पहले मेरे को एक आयरन प्लेटिंग बनानी पड़ेगी, और के आयरन नगेट्स, और मेरे को पहले ये बनाना पड़ेगा। एक प्लेट आ गई, और एक हैमर बनाना पड़ेगा, हैमर भी आ गया। अभी मेरे को बस तीन तीन छः सात चाहिए, दो और चाहिए, मतलब दो भी आ गई। बन गया कंप्रेसर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ओके कंप्रेसर को कहाँ रखे यार, जगह भी नहीं बची अभी। ऊपर रखे कि नीचे रखे, ऊपर रख लेते हैं, ये हटा देता हूँ जगह, यहाँ ठीक है, ये ऐसे लाइन से जाएगी ना चीज़ें बढ़िया लगेगी। तो इसमें डालने हैं कोल, अभी हमारे ये काम तो हो गया है, पर इसमें बनेगा क्या, इसके लिए चीज़ें बनेगी और कुछ नहीं। और इसके टास्क, ओके इससे मेरे को कुछ मिला, टोटम का कुछ हेड मिला है। ठीक है इसमें टोटम का मोड है उसी की वजह से है। तो इतना तो हमने तरक्की कर लिया भाई कि हम बहुत कुछ बना सके। और ये क्या मिला था मेरे को, कंप्रेस ग्रेवल, बढ़िया है काम आएगी बाद में। तो बनाते दोनों चीज़ें, लकड़ी भी ले आया मैं, और इसके लिए मेरे को पहले स्लैब बनाना पड़ेगा। ओके स्लैब आ गया, और स्टिक चाहिए, स्टिक तो हमारे पास बहुत सारी है और अभी बना सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास, लेकिन मैं बनाऊंगा हैवी वाली क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, बट टास्क करना था मेरे को इसलिए मैंने बनाया, और शायद से हैवी वाली से नहीं होने वाला था टास्क, तो मेरे को तो बस हैवी वाली चाहिए। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे को जाली बनानी पड़ेगी फ्लिंट की, जिसके लिए मेरे को फ्लिंट चाहिए, और फ्लिंट बनते हैं ग्रेवल से, लेकिन ग्रेवल कैसे बनेंगे, या तो कंप्रेस ग्रेवल निकाल लो, ठीक है या हम कंप्रेसर में कबलस्टोन डालेंगे तो ग्रेवल निकलेंगे। ओके अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ क्या है, और मुझे लग रहा है ना एक और बनाना पड़ेगा मेरे को कंप्रेसर, जितने कंप्रेसर ज़्यादा हो ना उतना ही बढ़िया काम होएगा हमारा। कबलस्टोन आ गए, एक कबलस्टोन भरने हैं इसमें ऐसे करके, ज़्यादा भरने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, पर भर देते हैं क्या जा रहा है। कुछ आए, ओ भाई कितने सारे आ गए। और मेरे को एक ये पहले ये बनानी पड़ेगी, ओ स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी मेरे को, मतलब हाँ स्ट्रिंग बनाने के लिए ये चाहिए मेरे को, जो कि मेरे को कीड़े मिले थे, और इन्हीं से स्ट्रिंग बनेगी भाई। ऊपर चलते हैं, और पेड़ बड़ा नहीं हुआ भाई, क्या दिक्कत है, बड़े हो जाओ सारे। तो ये मेरे को कीड़े इन पे मारने पड़ेंगे ऐसे, तो स्ट्रिंग बनाती है, और थोड़ी देर में सारे में फैल जाएंगे कीड़े, और पूरी पत्तियां खा जाएंगे धीरे धीरे, देख रहे हो बढ़ रहे हैं अभी, थोड़ा टाइम ले लेगा जब तक इसे होने देते हैं। स्ट्रिंग तो मिलेगी हमें कम से कम, और अगर हमें वॉर्म चाहिए और भी, तो एक हमें वो क्रोक बनानी पड़ेगी फिर, तो अभी तो जरूरत है नहीं, बहुत है हमारे पास। हाँ ये देखो स्ट्रिंग बनती जा रही है, ये धीरे धीरे फैल रही है ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हमें मिलेगी बहुत सारी स्ट्रिंग। शायद से इसके लिए क्रोक बनाना पड़ेगा क्योंकि उससे ज़्यादा मिलेगी। तो क्या करना है, अपना कंट्रोल दबा के, ओ भाई कितनी सारी मिली, और सभी को नहीं बनाने वाला अभी क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए मेरे को। तो कितनी स्टैक हो गई भाई, बहुत ज़्यादा स्टैक है। ठीक है पहले ये बनानी है मेरे को एक ये वाली प्लेट, जो कि एक स्ट्रिंग मैश है, और उसके बाद मेरे को एक फ्लिंट वाली मैश बनानी है।
ये मैश कितने टाइप की होती है? ओके, अभी मेरा काम अगला आयरन का बनाना है। ठीक है, आयरन की तो मैं बना सकता हूँ अभी। आयरन के लिए बस यही तो चाहिए, आयरन का भी आ गया। और इसको रखूँगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसी से ही मैं चीज़ें निकाल पाऊँगा। तो अब मेरे को चाहिए इसमें एक कंप्रेस चीज़ें, जो कि मेरे को ये मिली थी ना कंप्रेस डस्ट, ये मेरे को चाहिए। अगर मैं इसकी रेसिपी देखूँ तो इसके लिए मेरे को डस्ट चाहिए होगा। डस्ट की रेसिपी है कंप्रेसर में अगर मैं सैंड डाल दूँगा, और सैंड का तो आपको पता ही है कैसे बनती है, ग्रेवल डालनी पड़ती है फर्नेंस में। और ग्रेवल अगर मैं इसी में डाल दूँगा कंप्रेसर में, तब भी मेरे को मिलेगी। तो इनका यूज़ पता है क्या होगा, जो कंप्रेस डस्ट आ जाएगी ना मेरे पास, तो इसको मेरे को ऐसे राइट क्लिक करना है और ऐसे इसको दबाना है हाथ से, और इनसे निकलेगी चीज़ें ऐसे करके। डायमंड वायमंड सब कुछ इसी से निकलता है। ये निकाल नहीं सकता, ओके निकाल सकता हूँ मैं शिफ्ट दबा के। तो अगर मेरे पास डायमंड, यार डायमंड के लिए कितने चाहिए, 6 चाहिए होंगी। पर हमारे पास ब्लेज ब्लेज क्या क्या आ गया है। चलो एक ब्रीमिंग स्टैंड बनाते हैं। हमारे पास सैंड तो आ ही गई बहुत सारी, और इस सैंड को शायद से मेरे को ऐसे रखनी पड़ेगी, तभी मेरे को वो मिलेगा डस्ट। और मैं तब तक क्या करता हूँ, 2 ये डाल के एक वो बना लेता हूँ ब्रीमिंग स्टैंड, ये वाला ब्रीमिंग स्टैंड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें बनाना। और इसमें एक ये डालते हैं। और मेरे को चाहिए थोड़ी सी पानी वाली की, एक मिनट, मैंने इसमें से ये पी थी, हाँ मेरे पास ही तो है। तो पानी के लिए यार मेरे को एक छोटी सी जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि पानी स्टोर हो सके। ये यहाँ पर बनाते हैं थोड़ी जगह। ओके, इसमें पानी ले सकता हूँ, और पीना नहीं है भाई, इसमें डालो। और ये वाली पोशन, चारकोल मिलाना है बस। ओके, ये पोशन आ गई, हमारे ये भी टास्क हो गया पूरा। तो ज़्यादातर तो सारे टास्क हो ही गए हमारे। और इससे बकेट मिलेगी भाई, क्या बकेट तो मैंने बनाई थी अभी। ब्लेज रोड मिलेगी, ठीक है। और 12 ग्लास बोतल, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे थी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे है टॉर्च, ठीक है इनको मैं जला सकता हूँ। पर अगर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यहाँ, ये बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके, हो गई बंद, तो ऑक्सीजन नहीं है ना यहाँ पर इसलिए, लेकिन यहाँ पर चल सकते क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसी की भी चीज़ें। ओ अब आया है कॉमन रिवॉर्ड, ओके शायद से इसका भी आ जाए, हाँ अभी आया है। तो ये वाली जो टॉर्च मिली है मेरे को, ग्लो स्टोन, ये मैं जला सकता हूँ कहीं पर भी, इनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है मेरे को, तभी मेरे को ये दी है। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ भाई, अब मेरे को बस ये चीज़ें बनानी है, सोलर डस्ट, कॉपर, वोपर, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास शायद से 3 और 3 6 डायमंड हो चुके हैं, और मैं एक ये जाली को अपडेट कर लूँ। ओके, डायमंड की होना ज़रूरी है, अभी मेरे को मस्त मस्त चीज़ें मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। वो हमारे ये भी टास्क हो गया, मैंने सारी चीज़ें बना लिया। तो ज़्यादातर तो हमने सारी चीज़ें कर ली, ये चीज़ें मैं अगले पार्ट में करूँगा। और एक मेरे को कबलस्टोन जनरेटर बनाना है, वो भी अगले पार्ट में, और जो एक्सप्लोरिंग करनी है दूसरी जगह जाके, वो भी अगले पार्ट में। तो वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का हमारा काम हो गया है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो यार लाइक कर देना इस सीरीज़ के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर दे लेनी गेमिंग एपिसोड में।